गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज का मेरा वीडियो लेक्चर फंक्शनल डिपेंडेंसी में फिफ्थ और लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन के बारे में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए लॉसलेस डिकम्पोजिशन के बारे में समझते हैं। लॉसलेस डिकम्पोजिशन, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था लॉसी डिकम्पोजिशन के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या है। तो ए रिलेशनल टेबल इज डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर स्मॉलर टेबल्स इन सच ए वे दैट द डिजाइनर कैन कैप्चर द प्रिसाइज कंटेंट ऑफ ओरिजिनल टेबल बाय जॉइनिंग द डिकम्पोज्ड पार्ट्स। दिस इज कॉल्ड द लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि डेटाबेस के किसी भी टेबल को, रिलेशनल टेबल को, या एक तरीके से टेबल जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे एम्प्लॉय के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में, डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में, लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लोकेशन टेबल में, तो कोई भी हम एक टेबल ले लेते हैं और उस टेबल को डिकम्पोज कर दिया जाता है, मतलब उस टेबल को तोड़ दिया जाता है इनटू टू और मोर स्मॉलर टेबल्स में, दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे टेबल्स में उस टेबल को तोड़ दिया जाता है। और उसको तोड़ा इस तरीके से जाता है इन सच ए वे दैट, उनको तोड़ा इस तरीके से जाता है कि डिजाइनर कैन कैप्चर द प्रिसाइज कंटेंट ऑफ ओरिजिनल टेबल, कि डिजाइनर जो है वो जो है प्रिसाइज कंटेंट को, ओरिजिनल टेबल के प्रिसाइज कंटेंट को वो कैप्चर कर सके, जब उन दोनों डिकम्पोज्ड पार्ट्स को, उन दोनों छोटे छोटे टेबल्स को जब वो ज्वाइन करे, तो ज्वाइन करने के बाद जो है उसको वही टेबल मिले जो टेबल उसने स्टार्टिंग में तोड़ करके दो छोटे छोटे टेबल्स बनाए थे। तो इसी को लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि एक टेबल को डिजाइनर क्या करेगा, उसको तोड़ करके छोटे छोटे टेबल्स बना लेगा, दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे टेबल्स को बना करके बना देगा। और बनाने के बाद में जब उन टेबल्स को आपस में जोड़ेगा, तो जोड़ने के बाद उसको वही ओरिजिनल कंटेंट मिलना चाहिए जो जिस टेबल को उसने तोड़ करके दो या दो से ज़्यादा टेबल्स बनाए थे। तो नीचे और समझते हैं तो समझ में आएगा कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या है। तो यहाँ पे जो है द डिकम्पोजिशन ऑफ आर रिलेशन एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर मेरे पास एक ओरिजिनल टेबल है, मतलब एक रिलेशनल टेबल है। आर का मतलब रिलेशन या रिलेशनल टेबल या किसी टेबल का नाम। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, एक टेबल है, और उसके अंदर जो है तीन एट्रीब्यूट्स नेम है, तीन कॉलम्स नेम है, एक्स वाई और जेड। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक टेबल आ गया। अब इस टेबल को मुझे क्या करना है, डिकम्पोज करना है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में मुझे इसको तोड़ना है। तो मुझे इसे दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो दो पार्ट्स में तोड़ने के लिए मैंने रिलेशन वन यानी कि टेबल वन बनाया और उसमें मैंने दो कॉलम्स के नेम डाले, दो एट्रीब्यूट्स के नेम डाले अपने ओरिजिनल टेबल से, एक एक्स कॉलम नेम और दूसरा वाई कॉलम नेम। उसके बाद दूसरा टेबल मैंने आर टू करके बनाया और उसमें जो कॉलम्स के नेम दिए मैंने एक्स कॉलम नेम दिया है और जेड कॉलम नेम दिया है। तो एक ओरिजिनल टेबल को डिकम्पोज करके, तोड़ करके मैंने आर वन टेबल और आर टू टेबल, ये दो टेबल्स मैंने बना दिए। अब लॉसलेस डिकम्पोजिशन ये उस केस में होगा जब x एट्रीब्यूट, यहाँ पे रिलेशन वन में जो x कॉलम है, x एट्रीब्यूट है, वो रिलेशन
R1 में भी और रिलेशन R2 में भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर जो है रिलेशन 1 में x हमारा एट्रीब्यूट है और रिलेशन 2 में भी हमारा x क्या है, एट्रीब्यूट है, कॉलम नेम है। तो यहाँ दोनों में x कॉलम जो है कॉमन कॉलम आया है। तो जब हम किसी भी ओरिजिनल टेबल को डिकम्पोज करके दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में उसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद उन दोनों टेबल में या दो से ज़्यादा टेबल में एक्स कॉलम या एक्स एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, तभी लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्स कॉमन टू बोथ R1 एंड R2, तो R1 रिलेशन यानी कि R1 टेबल में और R2 टेबल में जो है X एट्रीब्यूट, X कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए, या फिर X डिटरमिन करे Y, यानी कि Y कॉलम जो है X कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट हो और X डिटरमिन करे Z, और Z कॉलम जो है वो X कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो वाई कॉलम एक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, जेड कॉलम एक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तभी ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन कहलाएगा, अदरवाइज ये लॉसी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो कैसे आगे और समझते हैं, तो लेट अस कंसीडर द रिलेशनल स्कीमा। तो अब समझते हैं कि हमारे पास एक रिलेशनल स्कीमा है, हमारे पास एक ओरिजिनल टेबल है जिसमें एक्स वाई जेड ऊपर की तरह तीन कॉलम्स है विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, और इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ये है कि वाई जेड डिटरमिन करता है एक्स को। दैट मीन्स कि एक्स डिटरमिन करता है वाई, एक्स डिटरमिन करता है वाई का मतलब वाई कॉलम जो है वो एक्स कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि वाई एक्स कॉलम एम्प्लॉई आईडी है और वाई कॉलम जो है ईएमपी नेम है। तो ईएमपी नेम में अगर कोई चेंजेस करेंगे तो उसके लिए हमें एम्प्लॉई आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ईएमपी नेम जो है एम्प्लॉई आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स वाई कॉलम जो है एक्स कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगेन एक्स डिटरमिन जेड, तो एक्स क्या है, एम्प्लॉई आईडी है, और जेड कॉलम लेट सपोज एम्प्लॉई सैलरी है। तो सैलरी में अगर कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए एम्प्लॉई आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जेड कॉलम या सैलरी कॉलम डिपेंडेंट है एम्प्लॉई आईडी के ऊपर, तो एक्स डिटरमिन कर रहा है यहाँ पे जेड को। तो इस तरीके से डिटरमिन करने के बाद अब जो है द रिलेशन आर इज डीकम्पोज। तो ऊपर वाला जो रिलेशन है आर एक्स वाई जेड, इसको जो है मुझे डीकम्पोज करना है इंटू टू रिलेशन, दो रिलेशन में मुझे डीकम्पोज करना है, R1 और R2, दैट आर डिफाइंड बाई टू प्रोजेक्शन, फॉलोइंग टू प्रोजेक्शंस। तो मैंने क्या किया, आर एक्स वाई जेड जिसके एट्रीब्यूट्स है उसको मैंने दो रिलेशन में तोड़ दिया। तो एक रिलेशन में R1 और इस रिलेशन में मैंने क्या किया, एक्स कॉलम को रख दिया, वाई कॉलम को रख दिया, उसके बाद R2 जो है इस रिलेशन में मैंने क्या किया, एक्स कॉलम को रख दिया और जेड कॉलम को रख दिया। अब जो है यहाँ पे वेयर एक्स इज द सेट ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स इन R1 एंड R2, तो R1 रिलेशन में यानी कि R1 टेबल में और R2 रिलेशन यानी कि R2 टेबल में एक्स एट्रीब्यूट या एक्स कॉलम जो है वो कॉमन कॉलम है, कॉमन एट्रीब्यूट है। तो डीकम्पोजिशन इज लॉसलेस। अब डीकम्पोजिशन तभी लॉसलेस डीकम्पोजिशन होगा जब रिलेशन इक्वल टू नेचुरल ज्वाइन ऑफ R1 एंड R2 ओवर एक्स। तो R1 टेबल, रिलेशन टेबल 1 और रिलेशनल टेबल 2 यानी कि टेबल 1 और टेबल 2 को एक्स सहित दोनों के ऊपर जब हम नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो इक्वल टू में हमारा ओरिजिनल रिलेशन आना चाहिए, मतलब आर ब्रैकेट में एक्स वाई जेड आना चाहिए, मतलब एक्स वाई वाले रिलेशन को, मतलब टेबल 1 में जो कॉलम एक्स है और कॉलम वाई है, और दूसरा रिलेशन या दूसरे टेबल में जिसमें कॉलम एक्स है और कॉलम जेड है, तो दोनों टेबल के ऊपर जब नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे
तो परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल टेबल आना चाहिए आर और एक्स वाई जेड, मतलब आर रिलेशन और जिसके अंदर तीन कॉलम्स है, एक्स कॉलम, वाई कॉलम, जेड कॉलम। तो एक्स वाई वाला जो टेबल है और एक्स जेड वाला जो टेबल है, इन दोनों के ऊपर जब नेचुरल नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो रिलेशन एक्स वाई जेड वाला ओरिजिनल टेबल हमारे पास आना चाहिए, तभी हम इसको लॉसलेस डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको और देखते हैं। लॉसलेस डिकम्पोजिशन को अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल टेबल है R और इसके कॉलम्स के नेम जो है वो X है, Y है और Z है। तो X, Y, Z की ये सारी इंफॉर्मेशन है और इस ओरिजिनल टेबल को मैंने डिकम्पोज कर दिया, तोड़ करके दो अलग-अलग टेबल्स बना दिए मैंने, R1 और R2। और R1 में मैंने X कॉलम को रखा है, Y कॉलम को रखा है जो कि ओरिजिनल टेबल में है, और R2 में मैंने X कॉलम को रखा और Z कॉलम को रखा, ये भी ओरिजिनल टेबल में है। अब जो है R1 टेबल और R2 टेबल के ऊपर जब हम नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, जब ओरेकल का एसक्यूएल का मॉड्यूल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कि नेचुरल ज्वाइन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखें कि नेचुरल ज्वाइन करना है। तो रिलेशन वन यानी कि टेबल वन और टेबल टू के ऊपर जब मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ही सारी इंफॉर्मेशन आती है जो हमारे पास ओरिजिनल टेबल में है। तो ओरिजिनल टेबल वाली पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है नेचुरल ज्वाइन करने के बाद, तो इसलिए ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। आप समझते हैं कि भाई पिछले वीडियो लेक्चर में जब हम लॉसी डिकम्पोजिशन कर रहे थे तो वहां पर भी हमने नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म किया था, तो सेम यही चीजें थी, यही टेबल्स वगैरह थी। तो वहां पर तो जो है दो दो टेबल के ऊपर जब नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म किया था तो वहां पे तो एक्स्ट्रा टपल्स आ रही थी, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स आ रहे थे, तो वहां पे इंफॉर्मेशन क्यों लॉस्ट हो रही थी और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लॉस्ट हो रही है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि इसको समझते हैं तो समझ में आएगा। तो इन दी एबव एग्जाम्पल, अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या है कि इट कैन बी सीन दैट, ये देख सकते हैं कि नेचुरल ज्वाइन ऑफ R1 एंड R2, R1 और R2 रिलेशन वन यानी कि टेबल वन और टेबल टू के ऊपर जब मैंने नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म किया तो सेम नंबर ऑफ रोज आ गए जो ओरिजिनल रिलेशन में है, जो ओरिजिनल टेबल में है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि डिकम्पोजिशन ऑफ आर एक्स वाई जेड, तो हमारे पास ओरिजिनल टेबल जो है आर जिसमें कॉलम्स नेम है एक्स वाई जेड, तो उसको मैंने दो कॉलम दो टेबल्स में मैंने तोड़ दिया था, डिकम्पोज कर दिया था। तो रिलेशन वन एक्स वाई मैंने कॉलम्स ले लिया, रिलेशन टू एक्स जेड मैंने कॉलम्स ले लिया। अब ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर एक्स कॉलम जो है, एक्स एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशन R1 और रिलेशन R2 मतलब टेबल वन और टेबल टू दोनों में ही एक्स कॉलम जो है वो कॉमन कॉलम है, और एक्स कॉलम जो है वो डिटरमिन करता है वाई कॉलम को, और एक्स एक्स कॉलम जो है वो डिटरमिन करता है जेड कॉलम को। इसका मतलब ये है कि एक टेबल के अंदर लेट सपोज एक्स कॉलम है तो एक्स कॉलम क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद वाई कॉलम का मतलब एम्प्लॉय नेम, तो अब उस टेबल में मैं एम्प्लॉय नेम को चेंज करना है मुझे या कोई एम्प्लॉय नेम को इंसर्ट करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉय आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट हो गया एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम जो है वो वाई कॉलम है जो डिपेंडेंट हो गया एम्प्लॉय आईडी मतलब एक्स वाले कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पर एक्स कॉलम क्या कर रहा है, वाई कॉलम को डिटरमिन कर रहा है। उसी तरीके से एक्स क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, और जेड कॉलम जो है लेट सपोज एम्प्लॉय की सैलरी है, तो सैलरी में अगर कोई चेंजेस करना है
तो सैलरी में चेंज करने के लिए हमें एम्प्लॉई आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो सैलरी वाला कॉलम जेड कॉलम है, जो कि डिपेंडेंट है एम्प्लॉई आईडी मतलब एक्स कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पे लॉसलेस डीकम्पोजिशन का मतलब यह है कि टेबल्स के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स नेम इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि एक्स कॉलम जो है वो डिटरमिन करे वाई कॉलम को, और वही एक्स कॉलम डिटरमिन करे जेड कॉलम को। मतलब एक्स एट्रीब्यूट दोनों ही टेबल में जो है कॉमन होने चाहिए, तभी लॉसलेस डीकम्पोजिशन बनेगा। अब यहाँ पे दोनों ही टेबल में मैंने एक्स कॉलम जो है वो कॉमन कॉलम रखा है, इसलिए ये लॉसलेस डीकम्पोजिशन हो गया। बट अगर मैं दोनों ही टेबल में मैं एक्स को कॉमन कॉलम ना रख करके, लेट सपोज मैंने एक जगह तो ले लिया जो है एक्स कॉलम और वाई कॉलम, रिलेशन वन में R1 टेबल में मैंने एक्स कॉलम ले लिया और वाई कॉलम ले लिया, और दूसरे R2 वाले रिलेशन में मैंने क्या किया, वाई कॉलम ले लिया और जेड कॉलम ले लिया। एक्स एक्स मैंने कॉमन एट्रीब्यूट नहीं लिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई कॉलम ले लिया और जेड कॉलम ले लिया। तो अब इन दोनों के ऊपर जब हम नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो एक्स्ट्रा टपल्स आएंगी, वो लॉसी डिकम्पोजिशन माना जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे मैंने एक्स कॉलम लिया, उसके बाद वाई कॉलम लिया, और दूसरे टेबल में भी मैंने एक्स ही कॉलम लिया और जेड कॉलम लिया। अब नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो ओरिजिनल टेबल में है। तो इन द लॉसी डिकम्पोजिशन, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉसी डिकम्पोजिशन देखा था, तो उसमें क्या देखा था हमने कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है R1 रिलेशन टेबल वन का और टेबल टू का, वो बी था कॉमन, वो था बी कॉमन कॉलम था वो, और बी कॉलम जो था ना तो वो ए कॉलम को डिटरमिन कर रहा था और ना ही वो बी कॉलम सी कॉलम को डिटरमिन कर रहा था। मतलब पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बी ए कॉलम को डिटरमिन नहीं करता है और बी सी कॉलम को डिटरमिन नहीं करता है, मतलब वो जो है ट्रू नहीं है। तो सो द डीकम्पोजिशन इज लॉसी डीकम्पोजिशन, इसलिए वो लॉसी डीकम्पोजिशन है। तो इसको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो मैं एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लॉसी डिकम्पोजिशन और लॉसलेस डिकम्पोजिशन में क्या अंतर है। तो जब मेरे पास लेट सपोज एक ओरिजिनल टेबल है R, और उसमें तीन एट्रीब्यूट्स है एक्स वाई जेड, तीन कॉलम्स नेम है एक्स वाई जेड। अब इसको मुझे डीकम्पोज करना है दो टेबल्स में, तो दो टेबल्स में मैं जब डीकम्पोज करूँगा तो मुझे अगर लॉसलेस डीकम्पोजिशन बनाना है तो मुझे एक्स कॉलम जो है वो दोनों ही टेबल्स में कॉमन कॉलम्स के रूप में लेना पड़ेगा, तभी लॉसलेस डीकम्पोजिशन होगा। जैसा कि मैंने इसमें किया है, एक एक्स नाम का कॉलम लिया, उसके बाद वाई नाम का कॉलम लिया, और फिर एक्स कॉमन एट्रीब्यूट ले लिया मैंने एक्स कॉलम, फिर जेड कॉलम ले लिया मैंने। तो यहाँ पर एक्स है रिलेशन वन में और यहाँ भी रिलेशन टू में एक्स है, और यहाँ पर एक्स कॉलम जो है वो डिटरमिन करता है वाई कॉलम को। वाई कॉलम का मतलब कि वाई कॉलम लेट सपोज एम्प्लॉई नेम है, अगर एम्प्लॉई नेम में मुझे कुछ चेंजेस करना है, उसके नाम को चेंज करना है, कोई नया एम्प्लॉई इंसर्ट करना है मुझे, तो मुझे एक्स कॉलम को लेना पड़ेगा। एक्स कॉलम लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी के बिना हम नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाई कॉलम जो है वो डिपेंडेंट है एक्स कॉलम के ऊपर, और यहाँ भी जेड कॉलम जो है वो डिपेंडेंट है एक्स कॉलम के ऊपर। जेड कॉलम लेट सपोज एम्प्लॉय सैलरी है, अब सैलरी में मुझे कोई भी चेंज करना है, सैलरी में मुझे कोई भी चेंज करना है, तो सैलरी कॉलम जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा एम्प्लॉई आईडी पे एक्स कॉलम पे, क्योंकि सैलरी में चेंज करने के लिए मुझे एम्प्लॉई आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जेड कॉलम एक्स कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो एक्स कॉलम क्या कर रहा है, जेड कॉलम को डिटरमीन कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम टेबल्स को डीकम्पोज करेंगे तभी ये
लॉसलेस डीकम्पोजिशन आएगा जब इन दोनों टेबल के ऊपर नेचुरल ज्वाइंट परफॉर्म करेंगे। बट लॉसी डीकम्पोजिशन में क्या होता है, क्या था कि मैंने क्या किया, हमारे पास एक ओरिजिनल टेबल है एक्स वाई जेड, तो ये वाला, और मैंने क्या किया, एक टेबल में मैंने एक्स ले लिया कॉलम, वाई कॉलम ले लिया, और दूसरे टेबल में मैंने एक्स कॉलम की जगह पर वाई कॉलम ले लिया और जेड कॉलम ले लिया, और यहाँ पर वाई कॉलम जो है लॉसी डिकम्पोजिशन में एक्स कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और जो है यहाँ पे जेड कॉलम जो है वो वाई, यहाँ पे वाई लिया है मैंने, तो वाई कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो उस केस में जब नेचुरल ज्वाइंट परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा टपल्स आएंगी, दैट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है, इसका मतलब वो लॉसी डिकम्पोजिशन है। तो ये था लॉसलेस डिकम्पोजिशन के बारे में। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या है और नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या है। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है, लॉस लेस डिकम्पोजिशन के केस में जहां पर क्या है कि एक ओरिजिनल टेबल को हमें डिकम्पोज करके दो अलग अलग टेबल्स बनाने होते हैं, और उन टेबल्स में हमें कॉलम्स के नेम या एट्रीब्यूट्स नेम इस तरीके से रखना पड़ता है कि एक दोनों टेबल्स में कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट हो या कोई एक कॉमन कॉलम हो, और वही कॉमन कॉलम जो है, लेट सपोज एक्स जो था एक कॉमन कॉलम था, तो वो एक्स कॉमन कॉलम जो है डिटरमिन कर रहा था वाई कॉलम को, और वही एक्स कॉलम जो है डिटरमिन कर रहा था जेड कॉलम को। तो जब इस तरीके से केस बनता है तो उसको डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन बोलते हैं। बट नॉन डिपेंडेंसी के प्रिजर्वेशन में हम लॉसी डिकम्पोजिशन को देख सकते हैं, जहाँ पे क्या है कि कोई कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे एट्रीब्यूट को या दूसरे कॉलम को डिटरमिन नहीं करता है, तो इसलिए डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं एक एक करके कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या है। तो कंसीडर रिलेशन ए बी सी डी, तो एक रिलेशन है हमारे पास, एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर चार एट्रीब्यूट्स है, चार कॉलम्स नेम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम। तो ये चारों कॉलम्स जो है ए डिटरमिन कर रहा है बी कॉलम को, मतलब क्या, बी कॉलम डिपेंडेंट है ए कॉलम के ऊपर, और बी कॉलम डिटरमिन कर रहा है सी कॉलम को, यानी कि सी कॉलम डिपेंडेंट है बी कॉलम के ऊपर, और सी डिटरमिन कर रहा है डी कॉलम को, यानी कि डी कॉलम डिपेंडेंट है सी कॉलम के ऊपर। अब मुझे इस ए बी सी डी इन चारों कॉलम्स को दो टेबल्स में मुझे रखना है, मतलब इस रिलेशन को मुझे डीकम्पोज करके दो टेबल्स बनाने हैं। तो डीकम्पोज इनटू टू रिलेशन, तो एक टेबल मैंने बनाया ए बी सी, उसमें मैंने तीन कॉलम्स के नाम दिए, और दूसरा टेबल मैंने बनाया उसमें सी और डी, ये दो कॉलम्स मैंने दिए। अब ए बी सी जिस टेबल में ये तीनों कॉलम्स है, तो उसमें क्या केस बनेगा कि ए डिटरमिन करेगा बी, यानी कि बी कॉलम डिपेंडेंट हो जाएगा ए कॉलम के ऊपर, और बी डिटरमिन करेगा सी कॉलम को, यानी कि सी कॉलम डिपेंडेंट हो जाएगा बी कॉलम के ऊपर। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो बी और सी ये दोनों ही कॉलम्स जो है ए कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो ए बी सी वाले के केस में है, ए बी सी कॉलम्स वाले केस में है। अब सी डी दूसरे टेबल में सी और डी कॉलम्स है, तो सी और डी कॉलम्स में क्या है कि सी कॉलम डिटरमिन कर रहा है डी कॉलम को, यानी कि डी कॉलम डिपेंडेंट है सी कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही टेबल्स में, जिसमें ए बी सी कॉलम्स है वो वाला टेबल, और जिस टेबल में सी और डी कॉलम्स है वो वाला टेबल, इन दोनों ही टेबल्स में हम क्या देख रहे हैं कि ऑल द ओरिजिनल डिपेंडेंसीज क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है, क्योंकि
हर कॉलम जो है दूसरे कॉलम को डिटरमिन कर रहा है। तो इस तरीके से जब केस बनता है, इस तरीके से जब रिलेशन जो है बनता है, तो उसको डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो सेम यही केस जो है पिछले स्लाइड में लॉसलेस डिकम्पोजिशन के केस में है। अब नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन में क्या है कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें चार कॉलम्स नेम है ए बी सी डी। तो इसको मैंने डिकम्पोज करके दो टेबल बना दिया R1, और इसमें ए और सी और डी ये तीनों कॉलम्स लिए मैंने, ए बी सी ये तीनों कॉलम्स नहीं लिए मैंने, मैंने कॉलम्स लिए हैं ए सी और डी, और एक दूसरे टेबल में मैंने बी और सी कॉलम्स को लिया है। अब अगर हम टेबल 1 की बात करें, रिलेशन 1 या R1 की बात करें, तो ए सी डी ये तीन कॉलम्स है, तो इसमें क्या होगा, सी कॉलम तो डिटरमिन करेगा डी कॉलम को, सी और डी कॉलम तो कवर हो गया, बट ए कॉलम के लिए कोई डिपेंडेंसी कोई प्रिजर्वेशन आया ही नहीं है। उसके बाद दूसरे टेबल में R2 रिलेशन में या टेबल 2 में हमारे पास बी और सी कॉलम्स है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बी डिटरमिन कर रहा है सी कॉलम को, ठीक है। तो ये दो दो तरीके से यहाँ पे प्रिजर्वेशन को होल्ड कर रहा है, मतलब डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहा है। बट देर इज नो ट्रेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमिन बी। अब इस वाले केस में पहले वाले टेबल में क्या है कि ए को डिटरमिन करना चाहिए बी, लेकिन यहाँ पे ए बी को कहीं भी डिटरमिन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी ए के लिए ए को बी डिटरमिन करना चाहिए था, बट वो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन यहाँ पे हो ही नहीं रही है, वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर रही है यहाँ पे। तो हैंस दिस डिकम्पोजिशन डज नॉट प्रिजर्व डिपेंडेंसी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये प्रिजर्व डिपेंडेंसी का डिकम्पोजिशन नहीं है। तो मेरा ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का 5th वीडियो लेक्चर जो है यहीं पे फिनिश होता है, और साथ ही साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये पूरा टॉपिक भी फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन के 1st वीडियो लेक्चर को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।